जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और स्वागत है सभी का टेक हेडलाइंस के एक नए एपिसोड में। जैसा कि मैं आपको एक हफ्ते पहले कहा था कि जो नथिंग फोन 1 लाइट आने के रूमर्स आ रहे हैं वो शायद गलत हो सकते हैं। मैं आपको ये बात कहा था कि जब तक नथिंग फोन 1 सक्सेसफुल नहीं हो जाता है तब तक काल पे कोई और फोन के बारे में सोचेंगे भी नहीं। एक बार ये फोन अच्छे से सक्सेसफुल हो जाए उसके बाद वो प्रो वर्जन में निकालेंगे, लाइट वर्जन में निकालेंगे, लेकिन उसको आने में वक्त लगेगा। देखो यारो, ये एक स्टार्टअप कंपनी है, इतने जल्दी जल्दी फोन नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो आज काल पे ऑफिशियली ट्विटर में कह चुके हैं ये जितने भी रूमर्स हैं ये सब के सब फेक हैं, ऐसा कोई भी अभी प्लानिंग नहीं है उनका। देख लो, उनका ऑफिशियल ट्वीट आपको दिखा दूंगा। जैसा कि दोस्तों पिछले 3 महीने से मैं आपको कहते हुए आ रहा हूँ, इस साल के एंड तक ओप्पो का एक फोल्डेबल फोन एक फ्लिपेबल फोन आएगा। तो आज अपने उन दोनों फोन्स के ऑफिशियल नाम को ट्रेडमार्क करवा दिया ओप्पो। जो फोल्डेबल फोन होगा उसका नाम होगा ओप्पो फाइंड एन फोल्ड और जो फ्लिपेबल फोन होगा उसका नाम होगा ओप्पो फाइंड एन फ्लिप। तो भाई ये दो फ्लैगशिप फोन आ रहे हैं इस साल के एंड तक। मेरे को जहां तक लगता है अक्टूबर में तो नवंबर में इनका लॉन्च इवेंट होगा पहले चाइना में। अब देखते हैं भाई इंडिया में कब तक आते हैं, क्योंकि अभी तक तो ओप्पो फाइंड एन तक नहीं आया इंडिया में। आई होप सोफी जल्द से जल्द आ जाए। आपको याद होगा दोस्तों, मैं आपको 2-2.5 महीने से कहते हुए आ रहा हूँ कि वन प्लस एक ऐसे फोन को इंडिया में लॉन्च करेगा जो 15,000 रुपए के आसपास लॉन्च होगा, और वो फोन कौन सा पता है? ये फोन है। और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ ये वाला वीडियो जाके देखो, तुम लोगों को बहुत मजा आएगा। इसमें बहुत ज्यादा हाईफाई एडिटिंग किया था मैं, लेकिन तुम लोग देखे नहीं थे क्योंकि इसका नोटिफिकेशन तुम तक नहीं पहुंचा होगा, क्योंकि उस दिन मैं 4 वीडियो अपलोड किया था, अभी भी याद है मेरे को। तो जाके इसको देखना। और भाई ये वही फोन है जो इंडिया में ओप्पो A77 4G के नाम से लॉन्च हुआ है, और तुम लोग यकीन नहीं करोगे, मैं तुम लोगों को बताया भी था NPTC सर्टिफिकेशन पे पकड़ा गया है। इसका नाम है OnePlus Nord N20 SE और आज ये लॉन्च हो चुका है। इसका प्राइस है 15,000 रुपए। देख सकते हो यार, जो बोला था एग्जैक्टली सही हुआ है। और भाई ये फोन वैसा है क्या? G35 के साथ तो है, सारे स्पेसिफिकेशंस फालतू हैं, फिर भी OnePlus रीब्रांड मार के 15,000 रुपए में लॉन्च कर दिया। मेरे को तो ऐसे टिप मिला था कि भाई वो फोन रीब्रांड करेगा OnePlus, और आज सच भी हो गया भाई। वो जो सोर्स था काफी अच्छा सोर्स था, जो भी बताया सही बताया। आपको याद होगा दोस्तों पिछले मैंने आपको बताया था मैं जो EA गेम्स है वो ब्लैक पैंथर के ऊपर एक ओपन वर्ल्ड गेम बना रहे हैं। वो कॉन्सोल्स के लिए आएगा और शायद एंड्रॉइड और iOS डिवाइसेस के लिए भी आएगा। तो देखो यारो, आज नए इन्फॉर्मेशन आ चुके हैं। EA गेम्स आयरन मैन के ऊपर भी एक डेडिकेटेड गेम बना रहे हैं, केवल आयरन मैन उसमें रहेगा और ओपन वर्ल्ड वो गेम रहेगा। भाई काफी ऑसम बात है यार, सुन के कितना अच्छा लग रहा है। ब्लैक पैंथर, आयरन मैन, इनकी ओपन वर्ल्ड गेम्स आ रहे हैं। अगर आप इसको फील नहीं कर पा रहे हो तो स्पाइडरमैन के PS4 PS5 की गेम्स को देखे हो ना, वैसे वाले होंगे वो। सोच के देखो, स्पाइडरमैन के गेम्स जैसे होते हैं। नथिंग के 2 TWS है, एक नथिंग एयर 1 स्टिक है, इसके रेंडर्स तो बाहर आ चुके थे, और एक नथिंग एयर 2 हो सकता है, नहीं तो कोई नया TWS है। इन दोनों में से कोई एक TWS इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन को क्लियर कर चुका है, और ये दोनों TWS SGS सिमको सर्टिफिकेशन को क्लियर कर चुके हैं। नाम याद रखना पड़ता है यार। तो भाई ये बहुत ही जल्द हम लोगों को लॉन्च होते हुए दिखाई देंगे, और इससे ये बात क्लियर हो जाता है कि भाई अभी नथिंग अपने EIoT प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने में ज्यादा फोकस करेगा, अभी नए स्मार्टफोन्स को लेके वो नहीं आएगा। ओप्पो रेनो 8Z आज लॉन्च हो चुका है थाईलैंड में। 8128 इसका बेस वेरिएंट है, जिसका प्राइस है 28,700 रुपीज। और अपने को पता है भाई ये कौन सा फोन है? ये ओप्पो F21 प्रो है जो इंडिया में लॉन्च हुआ था, या प्रो प्लस जो भी कहना कह लो, वही फोन है। और इसको आप बहुत नाम से बुला सकते हो, मैं आपको कई बार बता चुका हूं और आप लोगों को बोर नहीं करूंगा। वेल ये स्मार्टफोन इंडिया में नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी ये इंडिया में लॉन्च हो चुका है यार, तो कितने बार इसको ओप्पो लॉन्च करेगा अलग अलग नाम से। कोमाकी एक ब्रांड है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के सेक्टर में, फील्ड में। ये एक ऐसे बैटरी को क्रिएट कर दिए हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए जिसमें आग लगने का खतरा एकदम कम है, ना के बराबर है, जो बहुत ही ऑसम बात है यार। आजकल तो तुम लोग जान रहे हो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बहुत ही जल्दी आग लग जाता है, ब्लास्ट हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा हम लोगों को डर लगता है जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलाते हैं। तो भाई ऐसे में कोमाकी बहुत अच्छा काम किया है। आई होप सो कि आगे चल के और भी ब्रांड्स अलग अलग सोल्यूशन निकाले और ऐसे ऐसे बैटरीज क्रिएट करें जिनमें आग लगने का खतरा एकदम हो ही ना। Vivo Y16 के ऑफिशियल रेंडर्स आ चुके हैं और पूरे स्पेसिफिकेशंस भी बाहर आ चुके हैं, देख लो। वैसे ये फोन कुछ ज्यादा तो खास होगा नहीं, Vivo का एंटी लेवल का फोन है, और तुम लोग तो जानते हो Vivo के एंटी लेवल के फोन्स कितने अच्छे होते हैं, इतने अच्छे होते हैं कि खरीदने का मन नहीं करता है। Moto Edge 30 Neo आज Geekbench पे पकड़ा गया है। Qualcomm Snapdragon 695 है, 8GB RAM है और Android 12 है। ये बहुत ही जल्द आपको अगस्त एंड तक, नहीं तो सितंबर के स्टार्टिंग वीक्स में ग्लोबली लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा। हाँ, पहले ग्लोबली लॉन्च होगा। न्यू स्टेट मोबाइल की तरफ से काफी अच्छा अपडेट आया है। देखो यारो, कुछ प्लेयर्स रहेंगे जिनको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि वो न्यू स्टेट मोबाइल के जो नए फीचर्स है उनको सबसे पहले टेस्ट करे और फीडबैक दे दे न्यू स्टेट मोबाइल को कि भाई क्या खराबी है, क्या प्रॉब्लम है, क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं।
सब बता सके और ये आप भी बन सकते हो। काफी अच्छी बात है यार, तुम लोगों को नए नए फीचर्स देखने को मिलेंगे, बाकियों से पहले तुम टेस्ट करोगे उनको, तो भाई अच्छी बात है। इसका कोई शायद इवेंट होगा या फिर कॉन्टेंट होगा, उसके हिसाब से ही आपको वहां पर सिलेक्शन किया जाएगा, ऐसे ही साथ कुछ होगा। iPhone 14 Pro का जो प्रोटेक्टिव ग्लास होगा ना, जो ऑफिशियली एप्पल की तरफ से आपको देखने को मिलेगा, जो एप्पल के साथ कंपनियां पार्टनरशिपिंग करती हैं, एप्पल के iPhones के लिए ऑफिशियल एक्सेसरीज क्रिएट करती हैं, तो उनके तरफ से गलती से ये फोटो बाहर निकल के आ गया। और इससे ज्यादा क्या प्रूफ चाहिए अपने को, ये तो 100% कंफर्म हो गया है कि इतने बड़े ही होल्स रहेंगे। और सही बता रहा हूँ, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है आईफोन। अगर आईफोन 14 सीरीज के आईफोन इतने बड़े बड़े होल्स के साथ आएंगे तो भाई इससे अच्छा नॉच ही अच्छा लगता है आईफोन के ऊपर। और यकीन मानो, जब इतने बड़े बड़े होल्स के साथ आईफोन रिलीज हो जाएंगे ना नए वाले, धीरे धीरे सब लोगों को ये अच्छा लगने लगेगा। जब नॉच आया था तो उस टाइम पे सब लोग ऐसे ही कह रहे थे, लेकिन धीरे धीरे अच्छा लगने लग गया सबको। YouTube दोस्तों एक नए फीचर के ऊपर टेस्टिंग कर रहा है और काफी अच्छा फीचर है। YouTube पे आप वीडियोस तो देखते हो, जब आप उसको लैंडस्केप मोड पे देखोगे तो आप पिंच करके उसको जूम कर सकते हो, मतलब कि कोई पर्टिकुलर पार्ट आपको और भी करीब से दिखना है तो आप खींच के उसको बड़ा करके देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप MX प्लेयर में करते हो, बड़ा करके देखते हो ना, वैसे ही कुछ वक्त के लिए रहेगा, जैसे उंगली हटा लोगे तो वापस से वीडियो अपने साइज का हो जाएगा। तो काफी अच्छा फीचर है, लेकिन अभी पहले प्रीमियम वालों को मिलेगा फिर अपने तक पहुंचेगा। हम लोग तो प्रीमियम वाले नहीं है ना। गूगल दोस्तों एक अल्ट्रा प्रीमियम फ्लैक्सी फोन के ऊपर काम कर रहा है, जो गूगल पिक्सल 7 प्रो से भी ऊपर का फोन है। उसका नाम हो सकता है गूगल पिक्सल 7 अल्ट्रा, सोर्सेस तो यही कह रहे हैं, और फॉक्सकॉन इसको बनाएगा। और इसमें आपको सोनी IMX 787 का प्रीमियम फ्लैक्सिप सेंसर देखने को मिलेगा, जो सबसे पहले नूबिया Z40 प्रो के साथ डेब्यू किया था मार्च के आसपास, जहां तक मेरे को याद है। और ये जो फोन होगा इसका कोड नेम है L10 करके कुछ है, और अगले साल के मार्च के आसपास तक ये फोन रिलीज होगा। और इसी के साथ गूगल पिक्सल नोटपैड या फिर गूगल का फोल्डेबल फोन भी रिलीज हो जाएगा, ऐसे से रूमर्स भी हैं। फिलहाल तो भाई यही पता चला है, मतलब कि एक चीज क्लियर है कि गूगल एक अल्ट्रा प्रीमियम फ्लैक्सी फोन के ऊपर काम कर रहा है। सैमसंग ने तो आज कमाल कर दिया, UFS 4.0 के स्टोरेज टाइप को अनवील कर दिया है। सबसे पहले आपको सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 4 और Z Flip 4 में देखने को मिलेगा, और जो भी जितने प्रीमियम फ्लैक्सी फोन आएंगे, जो प्रीमियम फ्लैक्सी प्रोडक्ट्स होंगे, AR, VR हेडसेट वगैरह, उनमें देखने को मिल जाएगा। और ये 2x फास्टर है UFS 3.1 के स्टोरेज सपोर्ट से, और 45% कम एनर्जी कंजप्शन करता है। और भी बहुत अच्छे अच्छे ऑसम अपग्रेडमेंट्स और इंप्रूवमेंट्स के साथ आया है, साइड में दिखा दूंगा, देख लेना। इतना समझ लो कि एकदम तेज तर्रार आपका रहेगा रीड और राइट स्पीड। सोचिए देखो यार, LPDDR5X RAM टाइप सैमसंग का आ चुका है, UFS 4.0 आ चुका है स्टोरेज टाइप, मजा ही आ जाएगा भाई। सैमसंग तो बहुत तगड़े तगड़े अपग्रेडमेंट्स लेके आ रहा है। आपके क्या रिएक्शन से कमेंट करके बताना। शाबाश। नॉइस फिट X2 करके एक नया स्मार्ट वॉच आज नॉइस वाले लॉन्च करती हैं, जो बिल्कुल भी अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, इसको मत खरीदना। अभी आपको 2000 रुपए में मिल जाएगा, इसका इंट्रोडक्शनरी प्राइस है, रियल प्राइस है इसका 4000 रुपए के आसपास, जहां तक मेरे को याद है। वेल, इससे दूर रहना, ठीक है, मत खरीदना इसको, अच्छा वैल्यू नहीं देता है। मोटो G62 अगस्त के 11 तारीख को इंडिया में लॉन्च हो जाएगा, इसका प्राइस 15,000 से 17,000 रुपए के बीच में रहेगा। और मोटो G32 भी अगस्त के 9 तारीख को आ रहा है, जहां तक मेरे को याद था, इतने डेट्स रहते हैं भूल जाता हूँ यार। उसका इंडिया में प्राइस रहेगा 11,000 से लेकर 13,000 रुपए के बीच में। तो सब कुछ क्लियर हो चुका है दोस्त, अब बस कुछ दिनों का इंतजार करना अपने को। विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को ये भी खत्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।